नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। फिल्में समाज का आईना होती हैं, जिसके माध्यम से समाज को दिशा देने का प्रयास भी किया जाता है। आज के समय में जहां एक तरफ अश्लील कंटेंट की फिल्मों और वेब सीरीज का दौर जारी है, तो वहीं कुछ फिल्में अलग कहानी के साथ संस्कृति और सभ्यता को बनाए रखते हुए मनोरंजन करती नजर आ रही हैं। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ में फिल्म मनिहार का प्रमोशन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने फिल्म की तारीफ की। इस मौके पर हमारे सहयोगी ने फिल्म के कलाकार दंगल मूवी फेम बदरुल इस्लाम से खास बातचीत की। देखिए ये रिपोर्ट। देखिए मनिहार फिल्म का जो निर्माण है, जो बनी है, हमारे जनपद और हमारे विधानसभा क्षेत्र कानपुर देहात में इसकी शूटिंग हुई है जी। और बहुत सारे हमारे गांव के लोगों का भी इसमें सहयोग रहा है और एक ग्रामीण परिवेश में इस फिल्म को जी बनाया, जिसको आज लॉन्च किया है। मैं कामना करता हूं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो सामाजिक परिवेश में है, बहुत सारी चीज़ें जो इसमें बताई गई हैं, उससे निश्चित तौर पर लोगों के समझ में भी आएगा और अच्छी तरीके से जो जिन सीनरी को इसमें बनाया गया है, दिखाया गया है, जो ग्रामीण से जुड़ी हुई है, तो निश्चित तौर पर मैं बधाई देता हूँ सभी फिल्म से जुड़े जितने भी लोग हैं, एक्टर प्रोड्यूसर जितने भी कहानीकार हैं, सबको मैं बधाई देता हूँ और जो लोग इसकी कामना करते हैं। फिल्में समाज का आईना होती हैं और समाज को दिशा निर्देशन भी देती हैं, एक संदेश भी देती हैं। और हमने लगातार देखा है कि फिल्मों के माध्यम से समाज को दिशा देने का काम भी होता है। आज हमारे साथ मौजूद है मनिहार फिल्म के हीरो बदरुल इस्लाम जी। अगर बात करें इनके पुराने कार्यकाल की, तो आपने दंगल मूवी देखी होगी। उस दंगल मूवी में जो मीट शॉप चलाने वाले थे, वो हमारे बदरुल इस्लाम साहब थे। और जो इन्होंने की चर्चा थी आमिर खान साहब के साथ, वो भी यहाँ पर प्रचलित हुई थी और लोग इनको इस किरदार में अब तक नहीं भूले हैं। जब मैं नहीं भूला हूँ तो लोग भी नहीं भूले होंगे। फिलहाल मनिहार मूवी ला रहे हैं, क्या मूवी का यहाँ संदेश है और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज फेसबुक और इंस्टाग्राम की दुनिया है, हमारी यूथ उससे हट ही नहीं रही है, तो उनको पता नहीं कि गाँव क्या होता है, मनिहार क्या होता है, गाँव का रहन सहन क्या होता है, वहाँ की मिट्टी की खुशबू कैसी है। वो सब हमने उसमें दिखाया गया है कि गाँव में नदियाँ भी होती हैं, हमारे देश में नदियाँ भी हैं, वो सब दिखाने की कोशिश की गई है। और समाज को जो मैसेज दिया है वो ये दिया है कि बहुत सारी कुंठाएं आज हमारे समाज में आज भी हैं, जैसे कि ये अपना जो होता ना विधवा, आज भी विधवा को कहीं ना कहीं गांव में, कुछ ऐसे इलाकों में जो शहर से बहुत दूर हैं, विधवा को थोड़ा सा आड़ी नज़र से देखा जाता है। तो उसमें थोड़ा सा हमने टच किया है कि नहीं भैया, ये गलत नहीं है, ये सही है, ये इनका कोई कसूर नहीं है जो इनके साथ हुआ। ऐसे करके ब्लाइंडनेस, कि अगर किसी की आंखें चली गई हैं तो क्या उसको समाज से निकाल के फेंक दें? नहीं भैया, उसका तो ज़्यादा अधिकार बनता है, वो दिव्यांग है, तो उसकी मदद करो। और आजकल जैसे झोला छाप डॉक्टर हैं, हमारे गांव में रहते हैं ना, वो ऐसी बीमारी नहीं होती, उसको बड़ा बना देते हैं, लोगों को मार भी देते हैं, तो ऐसी उसकी आँखें जाती हैं, तो गाँव में दिखाता तो वो कहते हैं कि नहीं जी, अब ठीक नहीं हो गए, लेकिन जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल हैं वहाँ पर एक डॉक्टर को मैं दिखाता हूँ तो वो कहते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और वो ठीक हो जाता है। तो ये है, आज जहाँ एक तरफ लगातार अश्लील कंटेंट परोसा जाता रहा है, एक अलग तरह की जो विचारधारा परोसी जा रही है, वहाँ पर आप एक साफ सुथरी फिल्म लेके आए, कहाँ तक लगता है दर्शक कितना पसंद करेंगे? बेहद पसंद करेंगे। लापता लेडीज़ आपने देखी है और पंचायत अभी देखी है, उसमें क्या अश्लीलता है? कुछ भी नहीं, लेकिन कितनी हिट की गई वो फिल्म, तो ये भी इंशाल्लाह हिट होगी। और ज़रूर आप लोगों का सहयोग चाहिए, बस आप आगे बढ़ाइए इस फिल्म को। हमेशा से एक कथानक होता है फिल्म का और कथानक के माध्यम संदेश होता है, मनिहार फिल्म का संदेश क्या है सिरा आम दर्शकों के लिए? हमारे देश की मिट्टी, वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें एक सीन है, मैं इस मिट्टी को अपने यहाँ पे माथे से लगाता हूँ, मनिहार है लेकिन फिर भी वो मिट्टी को अपने माथे से लगाता है कि नहीं, तो यही सबसे बड़ा संदेश है कि भैया कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है, हर बीमारी का इलाज है, हर आदमी कुछ भी कर सकता है, उसकी हाइट छोटी है लेकिन वो फिर भी हीरो बन सकता है, ये तो आम लाइफ की बात है, तो मैं हीरो बन गया, तो ये है।
तो देखिए हमारे साथ बदरुल इस्लाम साहब, इन्होंने कहा है कि हाइट छोटी हो रही वाली बात नहीं है, कोई भी हीरो बन सकता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें मनियार फिल्म का कथानक, वो संदेश देता है भारतीय मिट्टी का, भारतीय संस्कृति का और भारतीय सभ्यता का। क्योंकि उनका कहना है कि आज भी साफ सुथरी फिल्मों को लोग पसंद कर रहे हैं, और ये व्यवस्था बताती है कि आज भी हमारे देश में जो बॉलीवुड है वो ऐसी संस्कृति को बढ़ा रहा है जो आज भी भारत में पूजनीय है और अग्रणी रही है। क्योंकि भारत का जो इतिहास रहा है वो सभ्यता और संस्कृति का रहा है। कैमरा दीपक के साथ गौरव श्रीवास्तव, सीनियर भारत, लखनऊ। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।